तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, कल रात का ब्लॉग है। कल रात का पढ़ाई एकदम बेकार था। कल हम 8 बजे से पूरे सुबह के 4 बजे तक मोबाइल में एंटरटेनमेंट के पीछे दौड़ रहे थे, प्रैंक वीडियोस देख रहे थे। तो इसलिए हमने कल का टारगेट एकदम भी पूरा कर ही किया ही नहीं। हमने सिर्फ मैथ्स के 2 ही लेक्चर कंप्लीट करे थे 8 बजे तक। उसके बाद तो पूरा हम टीवी में व्यस्त हो गए थे। तो उसके लिए हमारा बहुत बड़ा बहुत नुकसान हो गया। ऐसे ही टाइम नहीं, ऊपर से ऐसा काम करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज कल हमने जो काम किया है उसका पनिशमेंट होगा आज, कि हम जो कल करना था वो आज हम नहीं करेंगे। उस नहीं करके हम रिवीजन शुरू कर देंगे। बहुत ख़राब लग रहा है यार, हम पता नहीं क्या करेंगे अभी। बहुत बुरा लगता है जब इस तरह से हम वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हैं। बहुत बुरा लगता है, एकदम दिल पानी पानी हो जाता है। इतने मेहनत से पढ़ाई, उसके बाद भी फिर ये सब करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो आज तो हमारा जो प्लान है, आज प्लान बहुत स्ट्रिक्ट है। प्लान में जो सबसे पहले होगा, एक मिनट मैं आपको फटाफट बताऊँगा। तो आज जो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर होगा कंप्लीट, आज जो पहला चैप्टर हम रिवीजन मार्क करेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को आज पूरा रगड़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद पी ब्लॉक, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, इथर, उसके बाद जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद डी एंड डी ब्लॉक, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स। ये सब कुछ हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो गाइस, हमारा तो बहुत बड़ा पोपट हो गया था कल। तो आप ऐसा भी ठीक है। तो गाइस, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक में। तो गाइस, आज भी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, तो इसीलिए आज की वीडियो में ही एंड करते हैं।